हुदूर इरशाद फरमाते हैं, औहलाहु अज़्ज़ा व जल इला जिब्राईल अलैहि सलातु व सलाम अन इक़लिब मदीनत कज़ा व कज़ा बि अहलिहा। अल्लाह ताला ने वही के जरिए से हुक्म दिया हजरत जिब्राईल को कि फला फला बस्तियों को उलट दो, तलपट कर दो, जैसे सदूम और आमूरा की बस्तियों पर अजाब आया था वैसा अजाब इन बस्तियों के ऊपर ले आओ। काला फकाला, हुजूर फरमाते हैं कि इस पर हजरत जिब्राईल ने अर्ज किया, या रब इन फीहा अब्दका फुलान लम याख्शिका तरफत ऐन, अल्लाह मैं उस बस्ती को उलट दूं, उसमें तो तेरा फला बंदा भी है जिसने कभी पलक झपकने जितनी देर भी किसी गुनाह में बसर नहीं की। अब आप किसी आदमी की नेकी का तसव्वुर कीजिए, ये गवाही देने वाले कोई किराए के गवाह नहीं है जो अदालतों में फिरते रहते हैं, जो चाहो गवाही दिलवा लो, इतने पैसे चाहिए। जिब्राईल है, और किसकी जनाब में कह रहे हैं, जहां अबू जहल भी झूठ नहीं बोल सकेगा, या रब बिन नफीहा अब्दका फुलान लम यासक तरफत ऐन, उलट दूं उस बस्ती को। अब जवाब सुनिए, काल फकाला, हुजूर फरमाते हैं इस पर अल्लाह ने फरमाया, इक्लिबहा अलैहे व अलैहिम, उल्टो इस बस्ती को पहले उस बदबख्त पर और फिर दूसरों पर। फइन वजहहु लम यतबअर फी साअतन कत, इसलिए कि मेरी गैरत की वजह से कभी उसके खून ने जोश नहीं मारा, उसका चेहरे के ऊपर खून नहीं आया। आपको कोई माँ की गाली दे, अगर तो आप में जान है तो वो जाने देंगे उसको, और अगर जान नहीं है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तब भी गुस्सा आएगा, कांपेंगे आप गुस्से की वजह से, चेहरा आपका सुर्ख हो जाएगा, ये तो कम से कम होगा ना। लेकिन ये अल्लाह का बंदा अपनी नेकी में लगा रहा, उसने देखा नहीं माहौल में क्या हो रहा है, माहौल में अल्लाह की शरीयत की धज्जियां बखेरी जा रही है, माहौल में अल्लाह के अहकाम पांव पहले रोंदे जा रहे हैं, ये लगा रहा तू फकत अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये ज्यादा बड़ा मुजरिम है, लिहाजा बस्ती को पहले इस पर पलटो और फिर दूसरों को।